डिस्टेंस पास्ट में थॉर का यंगर सेल्फ, जिसने डिस्कवर किया मरे हुए एक गॉड ऑफ अमेरिका को। प्रेजेंट डे थॉर, जिसने एलियन गॉड्स के घर को ढूंढ निकाला, जो कि अब कसाई खाने में बदल चुका था। और फ्यूचर थॉर, जो कि एक प्राचीन थॉर था, जो लड़ रहा था मॉन्स्टर की एक सेना के साथ, जो कि उसे मारने आई थी, जो कि अब लास्ट लिविंग गॉड ऑफ एस्कार्ड था। कुछ तो गॉड्स को मार रहा था और अब वो थॉर के लिए आ रहा था। कई सालों पहले ग्रेट वेपन हॉल ऑफ एस्गार्ड ड्वार्फ के जरिए उरू मेटल के साथ उस आग में बनाया गया जो कि एक सूरज तक को पिघला दे, और एन्चेंटमेंट दिया गया ऑल फादर के जरिए, ऐसी ताकत के साथ जो किसी भी प्लेनेट को मार दे, टुकड़ों में बिखेर दे। नाइन रेल में सबसे ज्यादा ताकतवर वेपन, लेकिन उसे उठाने का एक ही तरीका है, वर्दी होना। और यंग थॉर उसके लिए वर्दी नहीं था, वो कह भी रहा था, मैंने कई ड्रैगन से अपने हाथों के साथ लड़ाई की है, लॉन्गबोर्ड के साइज के उन वुल्फ्स को मारा है, और अपने उम्र के गॉड के मुकाबले मैंने दुगनी लड़ाइयां लड़ी है, तो मुझे और कितना वर्दी होना पड़ेगा। और तब म्योलनिर उठाते हुए वो कहता है कि अपने इस मेटल के टुकड़े को उठाओ, और बाद में गुस्से में वो कहता है, ओडिन की दाढ़ी की कसम, तुम भद्दे हैमर, किसी दिन तुम मेरे होगे, और जिस दिन तुम मेरे होगे उस सुनहरी सुबह मैं हेवंस की सवारी करूंगा, तुम्हें अपने हाथों में लिए, और अपने दुश्मनों को पीटने की ख्वाहिश को पूरा करूंगा। और फ्यूचर थॉर यही कर रहे थे, अपने उस हैमर के साथ दुश्मनों की पिटाई कर रहे थे। यंगर थॉर, जो कि लोगों से कह रहा था कि बोट को जल्दी जल्दी चलाओ, हम कीमती वक्त गवा रहे हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। 893 AD, द बाल्टिक सी, जहाँ पर एक आदमी अपने लोगों से कह रहा था, तुमने अपने गॉड ऑफ थंडर को नहीं सुना क्या? क्या तुम नॉर्समैन नहीं हो? तो फिर उन्हीं की तरह रो करो वाइकिंग्स की तरह। तुम में से कई लोग डेथ और ग्लोरी के लिए आए होंगे, और अब वो मौका है जब तुम अपने थॉर के लिए, अपने गॉड के लिए ये हासिल करोगे। तब वो आदमी कहता है, माय लॉर्ड, धुंध बढ़ती जा रही है, क्या हम स्लो हो जाए या फिर रिस्क लेकर आगे बढ़े? तब थॉर उसे कहता है, मैंने मस्फलहाइम की आग में और नेफलहाइम की आइस फ्रोजन हरिकेन्स में रो किया है, और तुम इस मिडगार्ड की धुंध से डर रहे हो क्या? अपने डर को काबू में रखो नॉर्समैन्स, तुम्हारे पास गॉड्स की आंखें हैं गाइड करने के लिए। तभी लोग बोलने लगते हैं कि उन्हें मिस्ट में कुछ दिखा था, यानी कि धुंध में किसी साये को देखकर वो डर रहे थे, लेकिन उनका लीडर उन्हें चुप करा देता है। और इसी दरमियान थॉर को उस मरे हुए गॉड की शक्ल याद आने लगती है। तो थॉर कहता है, अपना बड़बड़ाना बंद करो, क्या तुम बच्चे हो जो कि मरमेड से डर रहे हो? तुम वाइकिंग्स हो तो उनकी तरह लड़ो। तुम लोगों ने मिडगार्ड के लगभग हर एक कोस्ट में दहशत बना रखी है, और अगर फिर भी किसी को डाउट हो रो करने से, तो यान बॉर्न तुम्हारे लिए तैयार है। आगे बढ़ के थॉर उनसे कहता है कि सबको स्लो कर दो जब तक धुंध हट नहीं जाती। तब थॉर कहता है, हाँ मैंने जो कहा मुझे पता है, लेकिन अभी वही करो जो मैं कह रहा हूँ। और तभी वो साया जो कि असलियत में था, वो कहता है, मुझे गॉड फ्लेश की खुशबू आ रही है, तो लिटिल गॉडलिंग मुझे अपनी काइंड तक ले जाओ। 3 दिनों बाद बैंक ऑफ नेवा रिवर, जो कि आपका रशिया है, जहाँ पर नॉर्समैन्स तैयार थे लड़ाई के लिए, लेकिन थॉर उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको, मैं यहाँ पर ओशन पार करके इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं इन स्लेव से लड़ सकूं। मुझे बताया गया था कि गॉड्स यहाँ पर होंगे। तब वो आगे वाले लोगों से कहता है, रिवरमन कहाँ पर है तुम्हारे गॉड? उन्हें यहाँ पर बुलाओ और प्रे करो कि वो थॉर को एक डिसेंट फाइट दे सके। तब आगे वाले लोग कहते हैं, हमारे गॉड्स जल्दी यहाँ पर आएंगे और तुम्हारी इस बड़बड़ाती जबान को काट देंगे। पेरन द स्ट्रॉम लॉर्ड और चर्नबोग द ब्लैक अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने गोल्डन एक्स के साथ यहाँ पर आएंगे। थंडरबोल्ट्स जब आएंगे तब तुम अलग सुर में गाओगे, और तभी उनके देवता शायद आ चुके थे, लेकिन आसमान में सिर्फ एक घोड़ा था जो कि बिना सवार के था। तब उस घोड़े को देखकर नॉर्समैन्स कहते हैं कि शायद लगता है कि तुम्हारे गॉड्स हमारे गॉड ऑफ थंडर के सामने टिक नहीं पाते, इस वजह से वो आया ही नहीं है। लेकिन थॉर उस घोड़े को पकड़कर उस पर चढ़ने लगता है। तब नॉर्समैन उससे कहते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में, इससे पहले कि वो कुछ आगे कह पाता, थॉर उससे पहले कहता है, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, लेकिन शराब का एक ड्रम मेरे लिए बचा कर रखना। और वो ढूंढने लगता है उन गॉड्स को,
जहाँ पर उसे गॉड ब्लड मिलता है आसमान में, जिसे देखकर वो कहता है ऐसा लगता है इमॉर्टल्स आसमान में मारे गए हैं और अब ये डेथ सिर्फ शुरू ही है। और तब वो देखता है चार्नबॉक द ब्लैक को, जिसके धड़ पे उसका सिर नहीं था। तब थॉर सोच में पड़ जाता है कि बिना राइडर के घोड़ा और बिना सर के गॉड, ये आखिर हो क्या रहा है। लगता है किसी ने मेरा दिन का मजा लूट लिया है। और वो इस अंदाजे पर पहुंचता है कि ये लोग आपस में ही लड़के मारे गए, लेकिन तभी एक हाथ में एक तलवार उभर आती है जो कि उसके शरीर से निकल रही थी। और वो तलवार जाकर लगती है उस घोड़े के सर पे जिस पर थॉर सवार था, और थॉर नीचे गिरने लगता है। तब कोई कहता है कि फील करो लॉर्ड ऑफ हेवन, तुम्हें अब ये पता चलेगा कि हेल्पलेसनेस क्या होती है, अब मॉर्टल्स के जैसे नीचे गिरते हुए कैसा फील हो रहा है, और आगे तुम सीखोगे कि मरना क्या होता है। थॉर नीचे गिरते हुए एक दूसरे घोड़े को पकड़ लेता है और फिर से उसी की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि गौर की तरफ। तब गौर उसे कहता है तुम एक फाइटर हो, मुझे फाइटर्स पसंद है, लेकिन तुम सरप्राइज हो जाओगे जब जानोगे कि कितने गॉड्स मेरे सामने छोटे बच्चों की तरह रो रहे थे। तब थॉर उसे कहता है लेकिन मेरा नाम थॉर है, बादलों के शिकारी, मैं एस्गार्ड से हूँ, एक वॉरियर। मैं उस पिट में 5 घंटों तक था इससे पहले कि मुझे कोई ढूंढ पाता। अगले दिन वो मर्डरर मारा गया ओडिन के ब्लेड से, लेकिन फिर भी मैं कई हफ्तों तक सो नहीं पाया। मैं जानना चाहता था कि ट्रुथ क्या है। ओडिन और बाकी के लिए वो सिर्फ एक मैर था, लेकिन ट्रुथ, मैं जानता था ट्रुथ क्या है। ट्रुथ बहुत ही भयानक था। यहाँ गौर लगभग थॉर की जान ले ही चुका था और वो उसे तड़पा रहा था। वो उसे ऐसे मार रहा था जैसे वो कोई है ही नहीं। वो मारते हुए उसके मॉरल्स को तोड़ रहा था और साथ ही साथ उसके काइंड का पता भी पूछ रहा था। लेकिन थॉर उसे कहता है मैं नहीं जानता कि तुमने किस तरह के वॉरियर के साथ फाइट की है, लेकिन डेफिनेटली तुम गॉड बुचर मुझसे फाइट करने के काबिल नहीं हो। तुमने मेरे जैसा कोई नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। तब वो कहता है नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। यहाँ पर थॉर उसी पिट के बारे में सोच रहा था। वो कहता है मैं सो नहीं पाया पिट से वापस आने के बाद हफ्तों तक। मेरी आंखों के सामने वो दो आंखें आ जाती थी। मैं अपने एल्डर गॉड से कई दिनों तक प्रेयर करता रहा कि मुझे ये सब फिर से देखना ना पड़े, लेकिन अब लगता है कि वो प्रेयर सफल नहीं हुई। यहाँ पर गौर थॉर के पेट में तलवार घुसाकर उसे उठा रहा था और कह रहा था मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता लिटिल गॉड, लेकिन जो तुम्हारे लिए प्रेयर करते हैं वो किस वजह से तुम पर प्रेयर करते हैं? क्या तुम गॉड ऑफ एक्सेस हो, ड्रंकनेस हो, या फिर कुछ और, या फिर तुम शायद के गॉड हो? मैंने कई गॉड ऑफ वॉर्स को मारा है, कई गॉड ऑफ फियर्स को, गॉड ऑफ केओस, गॉड ऑफ ब्लड और रैथ, जेलसी और झूठ, प्लग्स और अर्थक्विक्स, जेनोसाइड्स, रिवेंज, मैंने कई गॉड्स को मारा है। कुछ कमी गॉड्स थे जो कि फ्लावर और पोएट्री के थे, लेकिन मैंने उन्हें भी उसी सेम तरीके से मारा। तो बताओ प्रिंस ऑफ एस्गार्ड, तुम मरने से पहले किस चीज के गॉड हो? तो थॉर कहता है थंडर। और तभी एक थंडर स्ट्राइक दोनों को अलग कर देती है। थॉर और गौर दोनों नीचे गिर रहे थे और यहाँ पर प्रेजेंट थॉर अपने हाथ में हैमर लिए पीटे जा रहा था किसी को। वो डीप स्पेस में अभी भी डेड गॉड्स के वर्ल्ड में था, या फिर उनकी सिटी में। यहाँ पर उसने उस वॉच डॉग को मार दिया था। उसके लिए कई घंटे लगे थे, लेकिन गॉड बुचर का वो सर्वेंट आखिरकार नीचे गिर चुका था। ऐसा पावरफुल कंस्ट्रक्ट बनाना, ये कंसिडरली उसकी पावर में ग्रोथ थी। हम जब पिछली बार मिले थे तब उसकी पावर इतनी नहीं थी, लेकिन इस बार उसे ढूंढना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं सिर्फ डेड गॉड्स की ट्रायल को फॉलो करूंगा। यहाँ पर थॉर उन गॉड्स के अंतिम संस्कार के लिए तैयार था और वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता गॉड्स ऑफ एंडिगा, लेकिन तुम जिस तरह से मरे उस तरह से तुम मरना डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन थॉर ऑफ एस्गार्ड आज ये कसम खाता है कि वो तुम्हारा बदला लेकर रहेगा। जो मैंने शुरू किया था सालों पहले वो खत्म करूंगा। फर्क नहीं पड़ता कि बुचर की पावर कितनी बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा, फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पावर कितनी है, लेकिन थॉर ये करेगा। और थॉर ये कर भी रहा था। थॉर तब म्योलनिर से कहता है कि चलो म्योलनिर ओमनीपोटेंट सिटी की तरफ, हॉल ऑफ ऑल नोइंग की तरफ। जितनी स्पीड तुम्हारे पास है आज उतनी सारी लगा दो, क्योंकि जितनी देर हमें होगी उतने गॉड्स ज्यादा सफर करेंगे। और यहाँ पर फास्ट थॉर बेहोश पड़ा था। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।